पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। कांग्रेस पार्टी को संविधान की चर्चा करने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। जो संविधान का विरोधी पार्टी है, जिसने संविधान को ध्वस्त करने का काम किया, वो संविधान की चर्चा करने का वो हक हकदार नहीं है। आप लोगों को पता है 2007 के फरवरी में बिहार में विधानसभा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। राजधानी पटना में आज एनडीए के केंद्रीय मंत्रियों का सम्मान समारोह रखा गया है। राजधानी के एसके मेमोरियल हॉल में तमाम एनडीए के नेताओं का जुटान हुआ है, जहां केंद्रीय मंत्रियों को सम्मानित किया जा रहा है और तमाम मंत्री वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को, जनता को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी आज एसके मेमोरियल हॉल में खूब दहाड़े जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। राहुल गांधी हो, बिहार का विपक्ष हो, सबको जमकर लपेटे में लिया और कह दिया कि ये लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लेकिन इनके बातों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें संविधान के बारे में बात करने का कोई हक है ही नहीं। तो वहीं दूसरी ओर एनडीए ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, कैसे वोट मांगना है ये स्ट्रेटजी भी बनाई जा रही है। और ललन सिंह कहते नजर आए कि आप जहां भी जाइएगा, सर झुकाकर हाथ जोड़कर वोट मांगिएगा, क्योंकि हमने जो काम किया है उसके लिए जनता हमें वोट देगी। और हमने बिहार में इतना काम किया है कि अगर जो जनता हमें वोट नहीं भी देगी, वो भी हमारी आलोचना नहीं करेगी। तो विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसे करनी है, ये भी ललन सिंह बताते नजर आए। खूब दहाड़े विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, क्या कुछ कहा, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। कांग्रेस पार्टी को संविधान की चर्चा करने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। जो संविधान का विरोधी पार्टी है, जिसने संविधान को ध्वस्त करने का काम किया, वो संविधान की चर्चा करने का वो हक हकदार नहीं है। आप लोगों को पता है 2007 के फरवरी में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, सरकारें बन रही थी, सरकार बन रही थी, और श्री लाल प्रसाद जी राष्ट्रपति भवन में सुबह 3 बजे भोर में जाके बैठ गए और उन्होंने अब कहा कि अभी अभी कैबिनेट की मीटिंग करिए और बिहार की विधानसभा को भंग करिए, नहीं तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। और 5 बजे भोर में कैबिनेट की बैठक हुई। महामहिम राष्ट्रपति उस समय के जो थे अब्दुल कलाम साहब, वो मास्को में थे, फ्रांस से भेज के उसकी सहमति ली गई और विधानसभा को 6 बजते भंग कर दिया गया। यह संविधान की बात करने वाले लोग हैं जिन्होंने संविधान की धज्जी उड़ाई। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार की विधानसभा का जो भंग किया गया वो असंवैधानिक था, और संवैधानिक था, इसके संविधान की रक्षा नहीं हुई। और कांग्रेस पार्टी संविधान की भी बात कर रही, ये है। तो इसलिए हम सबको सजग रहना, हम सबको लड़ना पड़ेगा और हम सबको इनका पीने के पानी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है कहीं, या सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, समाज में जो सबसे पिछली पंक्ति में खड़े हैं उनके लिए जो काम किया गया है, जो हर तबके के लिए जो काम किया गया है, उसका कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए हम लोग को संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और बाकी आप लोगों ने देखा है, हम आप सभी से आग्रह करें, आज देखिए चुनाव में, पूरे लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जो नेता राहुल गांधी क्या प्रचार कर रहे हैं, कह रहे थे कि संविधान लेके घूम रहे, कह रहे थे कि संविधान खतरे में, और जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संसदीय दल की बैठक थी, उस बैठक में जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, तो सबसे पहले उन्होंने भारत के संविधान को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और तब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता थे। जो व्यक्ति भारत के संविधान के प्रति इतनी आस्था रखता हो, उसके बारे में चुनाव में प्रचार किया। और कांग्रेस पार्टी को देखिए, हम लोग भी बहुत से मामलों में डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इनको संविधान की चर्चा करने का हक नहीं है। आप
सब लोग हम लोग तो भुक्तभोगी हैं, मेरे जैसा तो व्यक्ति भुक्तभोगी है। 1974 के आंदोलन में जेल गए, निशा में गए, तो इसलिए हम लोगों ने तो देखा कि जिसने संविधान को तार तार कर दिया, जिसने संविधान को फाड़ फाड़ के धज्जी उड़ा दिया, वह आदमी संविधान की बात कर रहा है, इसलिए बड़ा कोई नहीं। जब 1975 में इमरजेंसी लागू हुआ, आप में से बहुत लोगों ने उस इमरजेंसी का काल देखा हो, लेकिन जो नौजवान है, जो अभी की पीढ़ी के लोग हैं, उन्होंने इमरजेंसी नहीं देखी। इमरजेंसी जिस दिन लागू हुआ था, पूरे देश में सन्नाटा छा गया था और पूरे देश में भय का वातावरण छा गया। प्रेस को आजादी नहीं, प्रेस को आजादी नहीं थी। मीसा को में जिसको पकड़ के बंद करते थे, उनमें उसको रिव्यू करने का, उसकी समीक्षा करने का जो कोर्ट को अधिकार था, उसका अधिकार छीन लिया गया। सब लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया गया। फंडामेंटल राइट जो आम जनता का है, बोलने की ताकत शक्ति, उसको बंद कर दिया गया। और संविधान को जो 5 साल के लिए चुनाव होता है लोकसभा और विधानसभा का, संविधान में संशोधन करके धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, जो भारत सरकार के बिहार के मंत्री हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के, सभी को बुला के यहाँ उन्होंने सम्मानित करने का काम किया। हम उसके लिए उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। लेकिन साथियों, आज समय अब 1 साल के बाद हमको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, और विधानसभा के चुनाव में फिर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का झंडा बिहार में गाड़ना है, जिसको पाने के लिए बहुत लोग जीव लपा रहे हैं, तो उसकी तैयारी में हम लोग। अब ये अभिनंदन का समय नहीं है, अब ये काम करने का समय। और नरेंद्र मोदी जी ने जब अपने केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन किया, तो गठन करने के बाद सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि अब काम करने की जरूरत है, और तीसरी बार अगर हम लोगों की सरकार यहां बनी है तो 3 गुना रफ्तार से काम करने की जरूरत है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश है, तो इसलिए हम लोगों को काम करने की जरूरत है। बिहार में आपको जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, 40 से 30 सीट हम लोग जीते, और 176 विधानसभा में, 176 विधानसभा में हम लोग आगे हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। अभी सम्राट चौधरी जी कह रहे थे कि पिछला रिकॉर्ड तोड़ना, 2010 का रिकॉर्ड तोड़ना। अरे 2010 का रिकॉर्ड तोड़ने में 176 तो अभी आप जीते हुए हैं, थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो 40-50 सीट बढ़ जाइएगा, 2010 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। क्योंकि बिहार में आपको कोई वोट मांगने के लिए आम लोगों के बीच और बिहार की जनता के बीच जब जाइएगा, तो आपको कभी सर झुका के वोट नहीं मांगना पड़ेगा, आपको सर उठा के वोट मांगना पड़ेगा। इसलिए कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार जो एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है, उसने जो काम किया है, और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के विकास के लिए काम किया है, उसके लिए आपको सीना चौड़ा होकर और सर उठा के वोट मांगने की जरूरत है। और कोई आपको जो वोट नहीं भी देगा, जो वोट हमको नहीं भी देगा, वह भी आपकी आलोचना नहीं करेगा, इतना तो निश्चित है। होता है कई कई जगह चुनाव में होता है, कई कोई पार्टी के समर्थक है, वो वोट नहीं भी देंगे, लेकिन आपके खिलाफ बोलने का उनके पास कोई शब्द नहीं है, ये हम आपसे आग्रह करेंगे। तो इसलिए इस अभिनंदन समारोह को हम लोग संकल्प समारोह के रूप में मनाए कि 2025 हम लोगों को 2010 का रिकॉर्ड तोड़ के आगे बढ़ के बिहार में फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनानी। बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप चलिए।